पहले सवाल में वो कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, तो इसमें चित्र आपको दिया नहीं होगा, चित्र आपको बनाना होगा। ठीक, एक वृत्त है। अब ऐसा होता ना कि पैमाने में लेकर 6 सेंटीमीटर का निकालो, एक वृत्त बनाओ, केंद्र लगाओ, प्रैक्टिस कर लो, तो बिना प्रकार के वृत्त बनाना सीख जाओ। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण, त्रिज्याखंड का कोण क्या था उसने, तो आपको त्रिज्या बतानी है। दूसरा शब्द उसने प्रयोग किया है त्रिज्याखंड का कोण 60, यानी कहीं ना कहीं कोई त्रिज्याखंड बन रहा है। और त्रिज्याखंड हम जानते हैं क्या होता है, दो त्रिज्या और चाप के बीच का गहरा क्षेत्र बना दो, एक त्रिज्या और बना दो, ये क्या कह रहा है, त्रिज्याखंड। और ये वाला कोण कितने डिग्री दे दिया, ये तो है त्रिज्याखंड का कोण कितने डिग्री, इसको क्या कहते हैं त्रिज्या को, और त्रिज्याखंड के कोण क्या कहते हैं, यानी डेटा हमारे पास आ चुका है, इनपुट आ चुका है। ठीक, अब करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर क्या है, दिमाग। दिमाग में क्या आएगा, किस तरीके से करनी है, क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल किसका, लिखो फॉर्मूला घंटा, क्या फॉर्मूला लिखा है तुम्हारी कॉपी में, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मान लो थीटा पर 360 प्लस पाई आर का मान 6 और थीटा बटे 360 पाई 36/60 त्रिज्या का कितना था, सेंटीमीटर, ये निकल रहा है क्षेत्रफल कितना निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या। एक तरीका है कि आप यहां पर ही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन उसने कह दिया है जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 रखना है, पूरी प्रश्न होगी पाई का मान कितना रखोगे, अब कितना आ गया 6 × 12 6 × 12 और 1, ये भी मान लो अच्छा नहीं लगा, तो 7 × 7 6 और 7 × 7 7 × 13 6 बचा 65 × 7 8 ठीक, और कितना बचा, अरे 7 × 7 कितना बचा, 6 62 हो गया, 7 × 56 में से 56 घटा कितना बचा, कितनी देर को लग रही है 6/7। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि होल में कैसे लिखो, जो भागफल आया वो यहाँ लिखो, जो क्षेत्रफल आएगा ऊपर लिखो, और जिससे भाग कर रहे हो उसे नीचे लिखो। ठीक, चाहे तो इधर लिख के करके देख लो, चाहे दिमाग से, तो या तो ये आंसर होगा, उसने कह दिया प्रश्न पत्र में पाई का मान 22/7 रखिए जब तक ना दिया हो, तो 22/7 रखते ये आंसर होगा। अब क्योंकि ये पूर्णतया नहीं कट रहा है, तो मतलब के भाग जो है वो पूर्ण नहीं हो रही, तो आप भाग करोगे एक और छोड़ दो, ये निकल आया आपका त्रिज्याखंड। इन तीनों में से एक आपकी किताब में दिया, और जब आप अपनी कॉपी बनाओगे उसमें आप प्रश्नावली को देख लोगे कि क्या उत्तर दिया है, वही उत्तर लिखो, वरना सवाल में क्या रखोगा, फॉर्मूला लिखा मान रखा निकला है। ठीक है, आपके उत्तर लिखने के नंबर होंगे कि कितना सही उत्तर आप लिखते हैं एग्जाम में, उसी हिसाब से नंबर आपके कट जाए, ध्यान रखिए। एनसीईआरटी का जो दिया है वही उत्तर आपको लिखना है, कोई और कंडीशन नहीं, क्यों उत्तर माना में दिया है वही आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, किसका, चतुर्थांश एक वृत्त के चतुर्भाग, किसके वृत्त के चतुर्भाग,
उसने सवाल ये दिया है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम वृत्त की परिधि नहीं है चतुर्थांश के लिए। सवाल में तो ये कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो किसकी परिधि की बात कर रहा है वो वृत्त। आगे आप खुद करोगे इसमें।